हाई एवरी वन दिस इज डॉक्टर कौशेख एंड आई एम फ्राम वी एम एम सी एंड सफदरजंग हॉस्पिटल सो आई विल टेल दिल्ली बेस्ट कॉलेज लिस्ट ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दिल्ली में ओबियसली एम्स एम्स दिल्ली सबसे टॉप पर है ओके okay. देन जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं वो हैं वी एम एम सी मे एम सी आर एम एल यू सी एम एस एंड फाइनली हमारे पास है एल एच एम सी ओके सो दीज आर द मेजर हॉस्पिटल्स इन दैली ओके किसी को अगर एम्स दैली कॉलेज मिल रहे हैं तो नो no डाउट सबसे पहले तो आपको इसको इसको ही लिस्ट में रखना है टॉप लिस्ट में रखना है ओके दैन नेक्स्ट इज इन सब जो रेस्ट ऑफ द मेजर कॉलेजेस हैं इसमें से आपको कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहिए ओके फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं ब्रांच वाइज बात करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं ओ की बात करता हूँ तो इन सब कॉलेज़ में से आपको जो कॉलेज चूज़ करना है उसकी प्रेफरेंस क्या होगी हमारे पास वी एम वी एम एम सी एंड एल सो ये हमारे पास कॉलेजेस हैं हॉस्पिटल्स हैं तो इन सब हॉस्पिटल्स में से कॉलेज में से आपको ओ के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक कॉलेज जो है चूज़ नहीं करना है वो है आर एम एल आर एम एल को आपको ओ के लिए चूज़ नहीं करना है क्योंकि आर एम एल में जो ओ बी डिपार्टमेंट है वो प्राइवेट सेटअप के अंदर आ जाता है ठीक है तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलेगा ठीक है तो ओ के लिए आपको आर एम एल कॉलेज सेलेक्ट नहीं करना है रेस्ट ऑफ द कॉलेजेस आप सेलेक्ट कर सकते हो एंड इसमें भी आपको वी एम एम सी इक्वल टू मैम सी सो पहले आपको इसको रखना है देन यू सी एम एस इक्ल टू एल एच एम सी ओके देन यहाँ पर लिस्ट में इसको रखना है ठीक है तो यहाँ पर वी एम एम सी की बात करें या फिर मैम सी की बात करें यहाँ पर जो है वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा होता है यू सी एम एस में भी वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है एंड एल एच एम सी में भी सो so, बट प्रेफरेंस जो रहेगी आपकी वी एम एम सी इक्वल टू मैम सी यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है ओके सो दिस इज़ फॉर ओ के लिए आपको दिल्ली में कौन से कॉलेज सेलेक्ट करने हैं देन सेकेंड अगर हम ब्रांच बात करते हैं डायटिज रेडियोलॉजी ओके अगर रेडियोलॉजी में आपको दिल्ली में कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है ओके okay, हमारे पास एमएमसी एम एम सी मे सी ओके यू सी एम एस आर एम एल एल एच एम सी सो ये फिर से हमारे पास मेजर कॉलेजेस हैं सो रेडियोलॉजी के लिए आपको कौन कैसे आपकी रेफरेंस रहेगी सो वी एम एम सी इक्वल टू मैम सी ओके अभी एट प्रेजेंट वी एम एम सी में यू एस जी सी टी एम आर आई डी एस सी ये सब कुछ आपको मिल जाएगा ओके मैम सी में भी आपको यू एस जी सी टी एम आर आई डी DS, एस जो है मैम uh, में नहीं है ठीक है so, तो यहाँ पर मैम में इंटरवेंशन नहीं है ओके okay, जिनको इंटरवेंशन में अगर नहीं जाना है तो इन दोनों में से कोई भी कॉलेज सेलेक्ट कर सकता है बट जिसको इंटरवेंशन भी करना है उसको सेलेक्ट करना चाहिए सफदरजंग हॉस्पिटल दैट इज वी ओके अगर आपका इंटरवेंशन में जो आपका जो है uh, अगर आप इंटरवेंशन करना चाहते हो बट वी में एट प्रेजेंट यहाँ पर मेमोग्राफी नहीं है ठीक है मैमोग्राफी यहाँ पर नहीं है जो कि अभी मैमसी में है तो मेमो जो है वो मैमसी में है बट अभी सफरजंग में जो है एक साल दो साल से मैम मेमो की जो है मशीन ख़राब है बट यहाँ पर आपको डी मिल जाएगा मतलब आप इंटरवेंशन कर सकते हो इंटरवेंशन में आप वस्कुलर एंड नॉन वस्कुलर ये दोनों ही आपको मिल जाएगा जो कि मैमसी में, में आपको वस्कुलर इंटरवेंशन नहीं मिलेगा ठीक है बाकी जो है एम के इंटरवेंशन जो है यहाँ पे बहुत अच्छा है वीएमएमसी में, में ओके देन अगर हम नेक्स्ट ब्रांच की बात करते हैं डेट इज आ, सर्जरी सर्जरी के लिए आपकी चॉइस कैसे फील होनी चाहिए सो वी एम एम सी, में सी आर एम एल यू सी एम एस एंड एल एच एम सी सो हमारे पास फिर से ये लिस्ट है सो अगेन फॉर सर्जरी ऑल्सो एम एम सी इक्वल टू एम सी ओके इन दोनों में वर्कलोड बहुत बहुत ज़्यादा हाई है काफ़ी मतलब टॉक्सिसिटी तो रहेगी यहाँ पर फर्स्ट ईयर तो मतलब आप समझ लो कि बहुत ही मुश्किल से आपका निकलने वाला है इवन आपको थर्टी सिक्स आवर्स तो ड्यूटी करनी पड़ेगी अगर इन केस आपकी इमरजेंसी ड्यूटी भी आ जाती है ओके दिस इज़ फॉर वी का बता रहा हूँ मैं अगर आपकी इमरजेंसी ड्यूटी भी आ जाती है तो आपको फोर्टी एट आवर्स तक कंटिन्यू ड्यूटी भी करनी पड़ेगी इवन सिक्सटी आवर्स तक भी ड्यूटी करते हैं ओके सो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए बट पॉजिटिव पॉइंट क्या है इतना ज़्यादा वर्कलोड होगा ओके आई नो वर्कलोड बहुत ज़्यादा है बट ऐसा कोई भी केस नहीं होगा लाइफ में कोई भी रेयर से रेयर केस भी रेयर टू रेयर केस सब केस आपको इन दोनों कॉलेज में देखने को मिल जाएंगे काफ़ी वर्कलोड रहता है तो रेयर टू रेयर डिजीज भी आपको यहाँ पर देखने की मिलेगी ठीक है सो तो आपकी जो लिस्ट जो होनी चाहिए जैसे आपको चॉइस फील करना है वी एम एम सी इक्वल टू मै सी देन आर एम एल यू सी एम एस एंड एल एच एम सी ये आपकी लिस्ट रहेगी फॉर सर्जरी के लिए ओके सो तो अब हम बात करेंगे ओके सो तो ओ रेडियोलॉजी देन सर्जरी अब हम बात करेंगे मेडिसिन की ओके सो तो मेडिसिन के लिए आपकी चॉइस क्या होनी चाहिए सो तो फॉर मेडिसिन आल्सो आपके पास जैसे फाइव मेजर जो कॉलेज हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो प्रेफरेंस देनी है इन सब में सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस अगर आपको देनी है वी एम एम सी मैम सी एल एच एम सी आर एम एल एंड यू सी एम एल सो इस uh, में आपको सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस देनी है मेडिसिन के लिए वो है आर एम एल ओके आर एम एल को आपको टॉप पर रखना है फॉर मेडिसिन के लिए दैन अगेन मैम सी इक्वल टू वी एम एम सी ओके बट सबसे पहले टॉप पर आपको रखना है आर एम यूसीएमएस यू सी एम एस एंड एल एच एम सी ओके सो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस आपको मेडिसिन के लिए देनी है आर एम एल को ओके okay, देन uh, अगर हम फिफ्थ अगर किसी ब्रांच की बात करते हैं तो मेजर जो ब्रांचेस अगर मैं बात कर रहा हूँ देन नेक्स्ट हम डर्मा की भी बात कर लेते हैं ओके okay, डर्मा में वी एम एम सी का डिपार्टमेंट एंड मे सी का डिपार्टमेंट आर वेरी गुड ठीक है तो कोई भी चॉइस प्रेफर कर सकते हो आप देन आर एम एल यू सी एम एस एंड एल एच एम सी ठीक है तो ये आपकी लिस्ट होनी चाहिए डर्मा के लिए सो दीज आर मेजर ब्रांचेस जिसका मैंने डिस्कस किया है ओके ओके सो दीज आर द मेजर ब्रांचेस जिसका मैंने डिस्कस किया है सो so आप इस, आ, इस आ, लिस्ट के अकॉर्डिंग आप जो है चॉइस फिल कर सकते हो ऑल दी बेस्ट